हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। सो आज के इस वीडियो में हम डे 4 के क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको हमारा दिसंबर का यूजीसी नेट मैनेजमेंट का कोर्स पैक लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे गिवन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सो चलिए एक एक करके हम क्विज बिगिन करते हैं। अगर आपको इस क्विज को टेलीग्राम पर भी अटेंड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अर्लियर वीडियोस में बताया गया था कि इसको क्विज को कैसे अटेम्प्ट करना है हमारी वेबसाइट पर जाकर। सो जैसे ही हम वेबसाइट पर गए अपनी, वहाँ पे आपको क्विजेस का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यूजीसी नेट पे जाना है। यूजीसी नेट में जाने के बाद यहाँ आपको देखिए डे 4 का क्विज मिल रहा है यहाँ पे, तो इस पे जाइए, आप स्टार्ट क्विज कर सकते हैं। स्टार्ट क्विज करने के बाद आपको करना है बिगिन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, विच अप्रोच इज फॉलोड टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर थ्रू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सो यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है और उसमें आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सो ये किस टाइप का अप्रोच है। सो इसके अंदर देखिए, आपको पहला ऑप्शन गिवन है सोशल सिस्टम अप्रोच, सेकेंड है कंटिजेंसी, थर्ड है बिहेवियरल साइंस अप्रोच एंड फोर्थ है आपका मॉडर्न अप्रोच। सो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो होगा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। देखिए बिहेवियरल साइंस अप्रोच के अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो देखिए बिहेवियरल साइंस अप्रोच के अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो देखिए साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल बिहेवियर के साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में एक इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली, सो इस चीज़ को स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। और अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कल्चर को स्टडी किया जाता है, पूरे कल्चर को, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उनका कल्चर कैसा है इसको स्टडी किया जाता है। तो देखिए अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 एंड इंडिविजुअल 3, तो ये तीनों एक साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आएगा। ये किस टाइप का कल्चर बना रहे हैं, इंडिविजुअल 1 इंडिविजुअल 2 के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ये आएगा आपका सोशियोलॉजी के अंदर। और साइकोलॉजी के अंदर एक केवल इंडिविजुअल 1 का, दैट इज इधर इंडिविजुअल 1, इधर इंडिविजुअल 2 और इधर इंडिविजुअल 3, इसी में से किसी एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को स्टडी किया जाएगा। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जरा। इसमें आपसे क्या कहा गया है, द एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू दैट ऑफ थ्योरी एक्स। सो कह रहे हैं यहाँ पे थ्योरी वाई जो है ये थ्योरी एक्स के बिल्कुल अपोजिट है। सो ये एसर्शन क्या है आपका, करेक्ट है आपका एसर्शन। सेकेंड आपका रीजन क्या कह रहा है, थ्योरी एक्स रिफ्लेक्ट बिहेवियरल अप्रोच एंड थ्योरी वाई रिफ्लेक्ट क्लासिकल अप्रोच। सो देखिए थ्योरी एक्स में कह रहा है कि ये बिहेवियरल अप्रोच थी, तो यस ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के बारे में आपको पता होगा, एक्स के अंदर क्या होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं वो विलिंग टू वर्क नहीं होते हैं, इनसे जबरदस्ती जब तक काम ना कराया जाए वो खुद से इंसेंटिव्स नहीं लेते हैं काम करने का। एंड थ्योरी वाई जो होती है वो कहती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो खुद से विलिंग होते हैं काम करने के लिए और उनके ऊपर अथॉरिटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना काम कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है बिल्कुल अपोजिट है। सो यहाँ पे कह रहे हैं थ्योरी एक्स रिफ्लेक्ट बिहेवियरल अप्रोच, सो यस ये तो करेक्ट है कि थ्योरी एक्स जो है वो बिहेवियरल अप्रोच अडॉप्ट करती है। बट वो कह रहा है व्हाइल थ्योरी वाई रिफ्लेक्ट क्लासिकल अप्रोच। तो देखिए थ्योरी वाई के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि वाई जो है वो क्लासिकल अप्रोच फॉलो करती है। देखिए थ्योरी वाई जो है ये क्लासिकल अप्रोच फॉलो नहीं करती है, बिकॉज थ्योरी वाई के अंदर अभी हमने क्या डिस्कस किया कि थ्योरी वाई के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो विलिंग टू वर्क होते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी गई है, दैट इज व्हाइल थ्योरी वाई रिफ्लेक्ट क्लासिकल अप्रोच, सो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एशर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन आपका रॉन्ग है। अब देखिए अब यहाँ पे जब रीजन रॉन्ग ही है सो ये कभी भी एशर्शन की कभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। सो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है,
Which of the following is not an organizational constraint in decision making? So यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा organizational constraint नहीं है decision making के अंदर. तो देख लेते हैं कौन सी चीज़ें, कौन से points organization से relate करती हैं, कौन से individual से relate करती हैं, so that हम identify कर पाएँ कि organizational constraint कौन सा है और कौन सा organizational constraint नहीं है. तो देखिए performance evaluation, performance को evaluate कहाँ किया जाता है, organization के अंदर. So यहाँ पे आपका जो option A होगा ये organizational constraint के अंदर आ जाएगा. सेकंड देखिए रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है कि आप कितना काम करेंगे तो आपको कितना रिवॉर्ड दिया जाएगा. सो यहां पे जो ये भी है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है. थर्ड देखिए पर्सनैलिटी, तो देखिए पर्सनैलिटी तो इंडिविजुअल की होती है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं. तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका पर्सनैलिटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है. चलिए फोर्थ है कि फॉर्मल रेगुलेशन, फॉर्मल रेगुलेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. तो आपको जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट इज अ इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट नो एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू मोर देन वन सुपरवाइजर इज कॉल्ड. तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल जो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल वर्कर जो है वो एक सुपरवाइजर से ज़्यादा को रिपोर्ट नहीं करेगा, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है. तो देखिए यहाँ पे देखिए बोला गया स्केलर प्रिंसिपल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो इसका आंसर जो है वो क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड. चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे. पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल इज रिलेटेड टू, तो जो पॉटर्स एंड लॉलर मॉडल है ये किससे, कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है. सो ये तभी से ये, सो देखिए पॉटर एंड लॉलर मॉडल जो है ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेट करता है. यहाँ पे पॉटर एंड लॉलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, मोटिवेशन. चलिए इसके बाद आप अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे नाम और ईमेल टाइप करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. सो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन डे 4 के. सो आज हमने डे 4 के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे. अगर आपको इससे रिलेटेड और क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको डेली वीडियोस मिलती रहें. और अगर आपको UGC नेट दिसंबर का अटेम्प्ट देना है इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, सो आप हमारे कोर्स पैक को भी ले सकते हैं. आपको इन सबकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.